हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लिविंग बर्ड और उसमें हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ के बारे में। तो आज हम जिस कैरेक्टर की बात करेंगे वो है कॉन्शियसनेस। तो हमारे एनसीईआरटी में इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग इज Is this ability to sense their surrounding or environment, ठीक है, and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. कहने का सिंपल सा अर्थ है कि कॉन्शियसनेस जो है वो मोस्ट ऑब्वियस है और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी कि ये एक लिविंग कैरेक्टर है, वो सॉरी एक डिफाइंड कैरेक्टर है। ये क्या है कि ये एक एबिलिटी है, ठीक है। कॉन्शियसनेस एक एबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, उसको सेंस करते हैं और सेंस करने के आधार पर हम रेस्पॉन्ड करते हैं उन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई का। और ये जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों में से कुछ भी हो सकती है। तो ये तो बात रही डेफिनेशन की। यदि हमें इसको समझना है तो इसके दो मुख्य चरण है, चरण ही कहेंगे उनको। पहला है अवेयरनेस, अवेयरनेस टू सराउंडिंग, ठीक है, और एनवायरनमेंट। और दूसरा है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अवेयरनेस टू द सराउंडिंग। तो अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग क्या है कि हम हमारा अवेयर होना, ठीक है, कि हमारे चारों तरफ के जो वातावरण है वहां पर क्या हो रहा है उसके प्रति हमें अवेयरनेस होना, ठीक है, कि हमारे आगे पीछे चारों तरफ क्या हो रहा है, या किसी ने हमसे कुछ बोला है तो वो कहना क्या चाहता है या कहना क्या चाहती है, ठीक है, उसके विषय में हमें अवेयर होना। अब हम ये अवेयर कैसे होते हैं, हमारे अंदर ये जो अवेयरनेस की जो पावर है वो आती है सेंस के थ्रू। और हमारे पास मुख्य रूप से पांच सेंसेस हैं। विजन यानी कि आई, ठीक है, ईयर हो गया हमारा, यानी कि हम सुन के भी करते हैं, सुन के भी हम रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। नोज के, नोज भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिससे हम स्मेल के थ्रू जो अवेयरनेस है उसको फील करते हैं, ठीक है। स्किन हो गया, ठीक है, और हमारा टंग हो गया, ठीक है। तो हम इन पांचों जो हमारे सेंस ऑर्गन है उन्हीं के थ्रू हम अवेयर होते हैं और उन्हीं के हिसाब से, मतलब उन्हीं के जो संकेत होते हैं उन्हीं के व्यवहार पर हम रेस्पॉन्ड भी करते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लो कि थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जांपल्स। हमने क्या देखा कि आज जो है सूरज की रोशनी बहुत तेज है और धूप निकल रही है, इसी वजह से कोई भी ना बादल है ना मौसम में कुछ हवाएं ववाएं चल रही है, खूब धूप है। तो हमने सोचा चलो आज क्या करते हैं, आज कपड़े धोते हैं, ठीक है। तो हम अवेयर हुए और हमने रेस्पॉन्स में कपड़े धो दिए, उनको सुखा दिया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि धूप का दिखना, उसको फील करना सेंसेस के थ्रू, अपनी आंखों के थ्रू, अपने देखा कि सूरज है, अपनी स्किन के थ्रू हीट को फील किया, तो ये हम क्या हुआ, अपने जो एनवायरमेंट था उसके लिए हम अपने सराउंडिंग के लिए हम अवेयर हुए और उसके रेस्पॉन्स में जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था ये हमने क्या किया, हमने रेस्पॉन्स किया, हमने कपड़े धो के सुखा दिए, ठीक है। ये समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। कुछ देर बाद क्या होता है कि मौसम अचानक बदल जाता है, ठीक है, मौसम जो है वो अचानक बदल जाता है, बारिश होने लगती है, ठीक है, बारिश होने लगती है, हमें फिर से फील हुआ, मतलब बारिश होने नहीं लगती, हमें लगता है कि बादल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हमें फील होता है कि भाई बारिश हो सकती है। तो हमने क्या किया, हम गए एकदम और जो भी कपड़े हमने सुखाए थे उनको अंदर ले और अपनी सहूलियत के हिसाब से अंदर सुखा दिए। तो बारिश हो सकती है इसकी संभावना है क्योंकि बादल थे, ठीक है, बादल थे, तो हमने
ये क्या था, अवेयरनेस, और जो कपड़े हमने बाहर सुखाए थे उसको लेके हम अंदर आ गए, ये था रेस्पॉन्स। अब इसको दूसरी तरीके से समझो कि धूप बहुत ज्यादा है, हमने चश्मा लगा लिया, हमने सनस्क्रीन लगा ली, फील की धूप को, उसी के आधार पे हमने चश्मा लगा दिया, ये रेस्पॉन्स था, या सनस्क्रीन लगा दी वो रेस्पॉन्स था, या बारिश होने पर हमने, हम बाहर जा रहे थे हमें फील हुआ कि बादल हैं, ठीक है, हमने छाता रख लिया, अपना रेनकोट रख लिया अपने साथ में, तो ये क्या था, ये रेस्पॉन्स था, ठीक है। तो ये है दरअसल कॉन्शियसनेस। इसको हम वैसे समझ सकते हैं जैसे इंटरनल स्टिमुलाई की यदि हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की हो गई कि आपने सुबह नाश्ता किया था, ठीक है, फिर क्या हुआ, आप अपने ऑफिस पे चले गए, या ऑफिस बच्चे ऑफिस के जाएंगे, स्कूल चले गए, वहां पे खेले वेले आपने जो किया, ठीक है, पढ़ाई की, खेले कूदे, आपका खाना जो था वो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। अब आपके इंटरनल स्टिमुलाई आपको कहेंगे कि अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अब और खाना खिलाओ, तभी तो बॉडी में एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये किया, तो फिर आपने क्या किया, आपने इंटरनल स्टिमुलाई को फील किया, अवेयर हुए कि भाई मुझे भूख लग रही है, कहते ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है कि जो इंटरनल स्टिमुलाई जो है ना वो आपको बोलते हैं, आपको अवेयर कराते हैं कि आपको भूख लगनी चाहिए, आपको भूख लग रही है, फिर आप उसके रिस्पॉन्स में खाना खाते हो, ठीक है। तो ये था रेस्पॉन्स। इसी के साथ साथ जब आप बहुत ज्यादा खेल लेते हो या घर का काम कर रहे हो तो थक जाते हो, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपको एहसास दिलाती है कि थक चुके, थोड़ा सा आराम कर लो, तो हम थोड़ी देर सो जाते हैं या लेट लेते हैं, तो वो रेस्पॉन्स था, ठीक है। तो अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस को ही हम कहते हैं अवेयरनेस, और उसके लिए जो हम रेस्पॉन्स करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब एक ऐसा जीव है जो सेल्फ कॉन्शियस भी, जिसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी है, हमारी जो बुक है, उसमें एक लाइन दी गई है कि जो व्यक्ति कोमा में है, जिनका ब्रेन जो है वो डेड हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति में कॉन्शियसनेस तो नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मृत कहेंगे या जीवित कहेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो लिविंग है उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो यदि हम बात करें कि जो व्यक्ति कोमा में है उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, परंतु हम कहेंगे पूरी तरीके से उसकी बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर पूरी बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है वो होना बंद हो जाएंगी, और जैसे ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी बंद हो जाएंगी, हम उसे मशीनों के सहारे भी जीवित नहीं रख सकते। हम उसे मशीनों के सहारे जीवित इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो इंटरनल बॉडी है उसमें कॉन्शियसनेस है, और उसी के आधार पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो इसीलिए हम उसे मशीनों के सहारे भी जीवित रख सकते हैं, वरना तो हर किसी को हम मशीनों के सहारे जीवित रख देते, इस पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कोमा में जो व्यक्ति है उनका ब्रेन जो है वो डेड है, परंतु उनके जो अदर जो बॉडी है उसमें रिएक्शंस हो रही है, वो रिएक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, इसीलिए कोमा से भी लोग वापस आते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जो था कॉन्शियसनेस के आधार पर। तो बच्चों अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।